नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापत एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ आपकी अपनी सूचना सहायक वाली वैकेंसी के सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा आपका सूचना सहायक का जो सिलेबस है वो पूरा। और अभी हमारी लगभग लगभग फर्स्ट यूनिट होने को आई है ना, यानी कि हम जो है फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट करने के ही कगार पर पहुँच चुके हैं। चलिए, तो इसी क्रम में आज जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे हम पिछला, अगर आप देखें पिछला हमने पढ़ा था प्रिंटर के बारे में, यानी कि यहाँ तक डेजी व्हील के प्रिंटर के बारे में हम पढ़ चुके थे। प्रिंटर के दो तरह होते हैं, है ना, एक तो इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट में भी आगे जाके डिवाइडेशन हो जाता है दो में, एक होता है आपका कैरेक्टर या सीरियल प्रिंटर, दूसरा हम कहते हैं लाइन प्रिंटर। तो जो सीरियल प्रिंटर है उसमें डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील तरह के दो तरह के प्रिंटर होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं आज किस में, आपके लाइन प्रिंटर में। ठीक है, लाइन प्रिंटर में क्या क्या चीज़ें हैं और कितने इसके टाइप हैं, आज सब हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम यहाँ से चलते हैं लाइन प्रिंटर के बारे में। देखिए, सिंपल सी तौर पर अगर हम कहें तो लाइन प्रिंटर क्या है, सिंपल सी तौर पर जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, सिंपल सी तौर पर अगर हम कहें लाइन प्रिंटर क्या है, तो लाइन प्रिंटर देखो क्या है कि अभी तक जो आपका हेड होता था, हमने कहा कि इस तरह का एक हेड होता था जो क्या करता था, हिट करता था पेपर पर, है ना, पेपर पे हिट करता था और पेपर पे जो अंक है वो छप जाते थे। ठीक है, ये हेड जो हुआ करता था कैसे हुआ करता था, ये सोलो हुआ करता था। ये हेड कैसे हुआ करता था, सोलो हुआ करता था। अब हम कह रहे हैं कि देखो अब ऐसा नहीं है। बोले सर ऐसा नहीं है तो कैसा है? मैंने कहा देखो अब क्या हो गया है कि चीज़ों में थोड़ा सा परिवर्तन है। बोले किस टाइप का परिवर्तन है सर, थोड़ा समझाओ। मैंने कहा देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक हेड की पूरी ऐसा इस तरह का एक क्या होता है, लाइन होती है। क्या होती है? लाइन होती है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होती है, एक तो हमने कहा कि एक पूरी की पूरी क्या होती है, लाइन बनी हुई होती है हेड की। ठीक है, इस तरह पूरी लाइन बनी होती है। अब इसके अंदर जो पार्ट्स है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके नंबर्स आएंगे या फिर जो भी आप टाइप करना है, तो वो आपको यहाँ पर इस तरह सिक्वेंशियल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना, यहाँ पर एक प्रॉपर वे में आपको दिखा हुआ मिलेगा कि इस तरह इसमें पार्ट कर रखे हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि इस तरह इसमें क्या कर रखे हैं, पार्ट कर रखे हैं। अब देखिए ये जो पार्ट कर रखे हैं ना, इसमें आपके क्या कर रखा है, सारी की सारी जो हैं कैरेक्टर्स हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या जो भी हैं, ये सब आपका यहाँ इसके अंदर लिखा गया है। क्या कह रहे हैं हम, इसके अंदर लिखा गया है, यानी कि ए बी सी डी या फिर जो भी आप चाहें वो सारा इसमें क्या लिख रखा है, इनबिल्ट ऑलरेडी। ठीक, अब क्या होता है कि पेपर जो है, पेपर पर जब प्रिंट मारने की बारी आती है, तब क्या होता है कि यहाँ पर जो कि इनमें लिखे हुए अक्षर्स हैं, हम कह रहे हैं कि इनमें ही आपके सर अक्षर, तो आपने कहा कि इसमें लिखे हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिखे ही हैं, है ना, यहाँ पर क्या होगा, छपेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंटिंग हेड जो है वो एक ना होकर अब क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स प्रिंटिंग हेड्स की एक श्रृंखला हो जाएगी। हम क्या कह रहे हैं, एक पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सीरियल हो जाएगी, श्रृंखला हो जाएगी। तो हम जब यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो आपका प्रिंटिंग हेड है ना, सॉरी ये तरह, हाँ ये जो पूरा आपका हेड है, ये क्या पूरा इस तरह का हेड होता है और इसके अंदर जो पेपर होता है ना, देखिए समझिएगा मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूँ है ना, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें जो पेपर होता है वो किस तरह का होता है। तो पेपर सर इसी के अंदर तो होता है, अभी आपने कहा, मैंने कहा बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये है आपका पेपर, समझिएगा है ना, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका पेपर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पेपर हो गया। ठीक, और ये आपके हेड्स हो गए। अब जब भी पेपर पे छपने की बारी होगी तो क्या होगा कि यहाँ जो रिबन लगा है ना, कि सर रिबन कहाँ है, मैंने कहा देखो यहाँ पर इसके ऊपर ही आपका क्या होता है, रिबन होता है, मतलब अंदर की तरफ। हम कहते हैं ना कि आपका ये पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्या करते हो, इसके ऊपर आप रख लेते हो कार्बन, है ना, और उसके ऊपर आपका क्या होता है, पेपर होता है। तो जो आप पेपर पर लिखते हो वो नीचे वाले पेपर पर उस कार्बन की मदद से लिखा जाता है, है ना। हमने क्या कहा कि भाई ये जो पेपर है जिस पे आप लिख रहे हो, नीचे यहाँ क्या है, कार्बन है, और वापस यहाँ पर क्या है, पेपर है, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये पेपर, ये कार्बन, और ये क्या हो गया, पेपर। तो आप जो इस पेपर पे लिखोगे ना, पेपर वन पे जो लिखोगे वो वापस पेपर टू पे किसकी सहायता से जाएगा, इस कार्बन की, क्योंकि इसमें स्याही भरी होती है ना। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसी के जस्ट पीछे यहाँ पर एक इस तरह का पूरा रिबन लगा होता है, है ना। इस रिबन पे जैसे इसकी मदद से हिट पड़ती है पेपर पे, छप जाता है, सेम यही कॉन्सेप्ट आप समझिए, है ना। ये जो पेपर वन है, यहाँ पर आप लिख नहीं रहे हैं और यहाँ पर आप किसी की मदद से हिट कर रहे हैं, और उस तरह ही यहाँ का कार्बन है, और पीछे की तरफ जो आपका पेपर है, मेजर मेन पेपर जिसे हम कहते हैं प्रिंट करना है, उस पर आपके पेपर पर ये सारे के सारे फॉन्ट्स जो हैं छप जाएंगे। ठीक है, यही बात कर रहे हैं।
चलिए अब इन सब चीज़ों को हम एक व्यवस्थित ढंग पे लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अब क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, पूरी की पूरी एक लाइन यूज़ हो रही है। क्या कहिए, यहाँ पर आपका पूरी की पूरी लाइन यूज़ हो रही है। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये जो हैमर है, इस हैमर का एक क्या कह सकते हैं पूरा सीरियल, यानी कि हेड का एक पूरा सीरियल यूज़ हो रहा था। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये है ना सर, ये लाइन पर मिनट है ना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लाइन पर मिनट पे ये आपका काम करता है ना। इसकी यूनिट अगर आप मुझसे पूछ ले कि लाइन प्रिंटर की यूनिट क्या होती है, तो LPM होती है, यानी कि लाइन पर मिनट होती है। अच्छा ये 1 मिनट के अंदर कितने फॉन्ट जो हैं वो छाप सकता है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें 300 से 3000, कितने 300 से 3000 कैरेक्टर्स यानी कि आप लिख सकते हैं इसमें एक ही बार में, हमने ये कहा। ठीक है, अब एक चीज़ अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें है ना, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं इन्हें अच्छे से तरीके से लिख लेते हैं है ना, ताकि एक एक चीज़ छूटे ना। क्योंकि हमने ये कहा था कि सर आपने ये कहा था कि यहाँ पर आप क्या करवाओगे, पूरे नोट्स बनवाओगे। मैंने कहा बिल्कुल यही जिम्मेदारी रही मेरी है ना, मैं यहाँ पर आपके बिल्कुल 100% आपके पूरे नोट्स तैयार करवा के आपको दूंगा, ताकि एग्ज़ाम के एंड टाइम तक भी आप अच्छे से पढ़ सकें, बिल्कुल आपको कोई भी किताब खरीदे बिना। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप शुरू से यहीं से लिखिएगा कि हमने कहा कि यह प्रिंटर एक लाइन को एक बार में छाप देते हैं है ना। हम क्या कह रहे हैं, यह प्रिंटर एक लाइन को एक बार में प्रिंट या ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये प्रिंटर क्या होता है, एक बार में आपके प्रिंट को छाप देता है। देखिए दूसरा हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हमने कहा था इसकी इकाई, अरे सर इकाई क्या होता है, बड़ा मुश्किल सवाल है ये। मैंने कहा इसको यूनिट लिख लो आप, क्या इसका यूनिट लिख लो, इसकी यूनिट लाइन पर मिनट, क्या लाइन पर मिनट होती है। एक बार में ये कितने, एक बार में यह 300 से 3000 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता है। हमने क्या कहा, 300 से 3000 कैरेक्टर जो है ये प्रिंट कर सकता है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, इसके बाद हम कह रहे हैं, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, देखिए इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसमें हैमर की सीरीज, या हम इसे क्या कह सकते हैं, श्रृंखला होती है। जो पेज पर कैरेक्टर्स प्रिंट करती है, हमने क्या कहा, जो पेज पर कैरेक्टर्स को क्या करती है, प्रिंट करती है। ठीक है, क्या करती है, प्रिंट करती है, ठीक
ठीक है। ये आपको लाइन प्रिंटर के बारे में बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि लाइन प्रिंटर जो है वो आपके कितने तरह के हैं। तो देखिए, लाइन प्रिंटर आपके कितने तरह के हैं, यहाँ पर तीन तरह के हैं। कौन कौन से? देखिए, पहले की अगर बात करें तो पहला हो जाएगा आपका चेन प्रिंटर। दूसरे की अगर हम बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? ड्रम प्रिंटर। और तीसरे की अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? बैंड प्रिंटर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक यानी कि सभी के बारे में पढ़ लेते हैं कि चेन प्रिंटर क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, बात अगर हम किसकी करें, चेन प्रिंटर की अगर हम बात करें, देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि चेन प्रिंटर की, क्योंकि हम हर बार ये कहते हैं कि कंप्यूटर जो ऐसी टर्म है जिसमें आपके सारी की सारी चीज़ उसके नाम पे ही डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस प्रिंटर में किस तरह के मैकेनिज्म का यूज़ होता है, चेन मैकेनिज्म का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर किस तरह का यूज़ होता है, इसमें चेन मैकेनिज्म का यूज होता है, है ना, इसमें चेन मैकेनिज्म का यूज होता है, ठीक है। अरे सर, चेन मैकेनिज्म कैसा, क्या? मैंने कहा देखो रुको, यहां पर आपको एक चित्र प्रदर्शित करके बताते हैं कि चेन मैकेनिज्म कैसा है ना, क्या चेन मैकेनिज्म कैसा, आपको एक चित्र प्रदर्शित करके दिखाया जाता है। ठीक है, देखा आपको, देखिए तो ये जो है आपका चेन मैकेनिज्म है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इस तरह का चेन लगा होता है, ठीक है। इस तरह के चेन में ये आपका पेपर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपका पेपर होता है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, पेपर हो गया। ये देखिए, यहाँ से ये आपका पेपर है ना, ये आपका पेपर। और यहाँ पर ये देखिए, है ना, ये क्या है, बहुत तरह के हेड्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये जो हैमर्स है ना, ये हैमर्स यहाँ आपके मल्टीपल्स में, क्या क्या है, मल्टीपल्स में। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, है ना, यहाँ पर आप ये किस फॉर्म में, ब्लैक फॉर्म में देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये रिबन है आपका, क्या है ये ब्लैक पोर्शन क्या है, ये रिबन है आपका, ठीक है। तो सर ये क्या रिबन इधर ही है? मैंने कहा नहीं, ये रिबन यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, जो कि इस पेपर के बीच में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? बीच में लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, पेपर के कहाँ, बीच में लगा हुआ है। और ये सहे आपके अक्षर, क्या रहे ये आपके अक्षर, यहाँ देखिए ये आपके अक्षर रहे, ठीक है। तो ये फोटो है जिसके बारे में आप जान सकते हैं, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ भाई कुछ इस तरह का मैकेनिज्म इसमें होता है जिसकी वजह से आपकी ये चीज़ें देखने को आपको मिलती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये जो चेन है ना, चेन, इस चेन में आपके कैरेक्टर नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, सभी अल्फाबेटिक न्यूमेरिक सभी यहाँ पर आपके इस चेन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिखे होते हैं। और यहाँ पर जो लिखे होते हैं वहीं इन्हीं को कौन हिट करता है, ये जो चेन है ये आपकी हिट करती, ये सारे जो आपका हैमर है ये इसे हिट करता है, है ना। और इन्हीं के हिट करने की वजह से ये आप देख सक रहे होंगे किस तरह के उभरे हुए अक्षर हैं, है ना, सॉरी डीप अक्षर हैं, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपकी शाही इंक यानी भर के रिबन में जो इंक है उसके थ्रू आपके पेज पर प्रिंट मारा जाता है। क्या किया जाता है? पेज पर प्रिंट मारा जाता है, ठीक है। चलें देखिए, अब इसे लिख लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए
तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें सर हम क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा देखो इसमें आप लिख सकते हो कि चेन में मेटल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स की एक सीरीज, होती है ना, क्या एक सीरीज होती है, ठीक है, जिसे चालू करने पर, ये चेन कौन सी, ये जो चेन देख रहे हैं हम, ये चेन हैमर के एक सेट, के चारों ओर घूमती है, के चारों ओर घूमती है जब प्रिंट, चाहिए होता है तब पेपर को पहले इंक रिबन में, कहाँ पर, पहले इंक रिबन में, भाई इंक रिबन कौन सा हो गया, अरे सर अभी तो आपने बताया ये वाला जो रिबन है इसी में इंक भरी होती है ना, तो हम क्या कह रहे हैं पेपर को पहले इंक रिबन में और फिर, किस में, और फिर चेन में उस कैरेक्टर पर हिट किया जाता है जो इनपुट दिया गया है, क्या है, जो इनपुट दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह क्या हो जाएगा, जो कैरेक्टर है वो आपका कागज़ पर छप जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, एक छोटी सी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है पर एक छोटी सी, देखिए इसमें जो प्रिंटिंग कैपेसिटी ना वो कितनी सी है, 2100 से कितनी आपकी, 2500, क्या हो जाएगी, 2100 से 2500, सर 2100 से 2500 क्या, मैंने कहा देखो ये भी तो इसी में ही चलेगी, ये भी किस में चलेगी, इसी में ही चलेगी, लाइन पर मिनट में ही चलेगी भाई, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइन, प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो एंटायर लाइन प्रिंटर में आपका जो यूनिट है वो क्या चलेगा, यही चलेगा, एंटायर लाइन प्रिंट, जो है इसमें यूनिट क्या चलेगा, यही चलेगा। चलिए तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं आपकी किसकी, ड्रम प्रिंटर की, किसकी, ड्रम प्रिंटर की। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं ड्रम प्रिंटर के बारे में, देखिए ड्रम प्रिंटर के बारे में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा देखो, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, पहले तो टाइटल ही डाल दूँ सर, है ना, क्या डाल दूँ सर, टाइटल डाल दूँ, मैंने कहा क्या डालूँ, बोले सर अभी तो आपने बोला ड्रम प्रिंटर, मैंने कहा ठीक है यार इसमें लिख देते हैं हम क्या, ड्रम प्रिंटर। चलिए अब सर ड्रम प्रिंटर तो कह रहे हो कैसा है ये, क्या है, मैंने कहा आओ इसका भी एक छोटा सा विज़न देख लेते हैं, क्या, इसका भी एक छोटा सा विज़न देख लेते हैं कि ड्रम प्रिंटर आखिरकार दिखता कैसा है, जो ड्रम प्रिंटर की बात हुई जा रही है कैसा दिखते हैं ये, तो सर कुछ इस तरह का ड्रम प्रिंटर दिखता है, मैंने कहा ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर चेन पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर, वहाँ पर आप क्या कहा, चेन पर, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर चेन जो है, इस चेन के ऊपर आपके अंक लिखे हैं, कहाँ, इस चेन के ऊपर आपके क्या है, अंक लिखे हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक जो भी नंबर्स है या फिर जो भी अल्फ़ाबेट है आपका यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि जो ड्रम है ना, ड्रम,
ये जो आपको ड्रम दिखाई दे रहा है, इस ड्रम के ऊपर ये सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं। क्या है? ड्रम के ऊपर ही आपके सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि जो सारे कैरेक्टर किसके ऊपर लिखे हैं? ड्रम के ऊपर लिखे हुए हैं। अब आप देखो, ये जो ड्रम है, इसी ड्रम के जस्ट नज़दीक में ये तो आपका ड्रम है ना, ये क्या है? ये तो आपका ड्रम है, ठीक। और इसी के जस्ट नज़दीक में कहाँ? यहाँ पर ये आपका रिबन है, देखो है ना, ये आपका रिबन है। और यही रिबन कहाँ तक? यहाँ तक निकल के बाहर आ रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से अंदर तक पूरा इस ड्रम और इस पेपर दोनों के बीच में क्या है? रिबन है, ठीक। और ये रहा आपका प्रिंट हैमर। क्या है ये? आपका प्रिंट हैमर, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगी? जो सीरीज़ हो गई किसकी हो गई? आपकी सीरीज़ किसकी हो जाएगी? यहाँ पर इस हैमर की हो जाएगी। तो हमने क्या कहा कि एक एक जो आपके प्रिंट है उसमें आपका यहाँ पर ड्रम यूज़ हो गया, और यहाँ पर रिबन आ जाता है, इस रिबन के बीच में ये आपका पेपर आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है आपका हैमर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर प्रिंट होना है वो इसकी मदद से यहाँ पर रिबन पर हिट करते हुए इस पेपर पर प्रिंट उकार लिए जाएंगे या ले लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? पहला इसमें एक ड्रम होता है जो तेजी से घूमने वाला होता है, एवं इसके ऊपरी सतह पर, भाई ऊपरी सतह पर ही होते हैं ना, इसके ऊपरी सतह पर कैरेक्टर्स या क्या कह सकते हैं हम, नंबर्स लिखे होते हैं। भाई लिखे होते हैं ना, ये हमने अभी देखा, इसके ऊपर ही लिखे होते हैं। अब देखिए इसमें हम मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इसमें मेजर इंपॉर्टेंट क्या है? तो मेजर इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिंटिंग कैपेसिटी, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें आपके 200 से लेकर 3000 LPM लाइन पर मिनट लिखी जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें, चलिए इसकी वर्किंग भी लिख लीजिए, है ना, इसकी वर्किंग, ताकि आप कभी भी आपको ये यूज़ आ सकती है, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रिंटर में, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए ड्रम के सामने पेपर रखा जाता है, और ड्रम क्या करता है, ड्रम के पीछे हैमर की, वही बात हो जाती है ना, हम क्या करें, हैमर की श्रृंखला होती है, और जैसे ही क्या कह रहे हैं हम, जैसे ही ड्रम रोट करता है, या हम क्या कहें, रोटेट होता है, जैसे ही ड्रम रोटेट होता है वैसे ही हैमर उस पर हिट करके कैरेक्टर्स प्रिंट कर लेता है, ठीक
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हमें इसे पढ़ना था, ठीक है। तो ये आपके इसके लिए पूरा इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। बाकी एक जो कॉमन क्वेश्चंस लाइन प्रिंटर्स में से पूछा जाता है ना, लाइन प्रिंटर्स में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जो किसी में नहीं पूछा जाता, मतलब किसी प्रिंटर के बारे में, अन्य प्रिंटरों के बारे में वो अप्लाई नहीं होता है। वो क्या है, वो प्रिंटर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई किन प्रिंटर्स में आपको रिबन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया दोस्तों, क्या कि किस प्रिंटर में आपको रिबन का प्रयोग करने को मिलता है, या फिर चार ऑप्शन दे देंगे और कह देंगे आपसे कि निम्न में से किस प्रिंटर में रिबन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिबन का प्रयोग जो है वो ओनली इम्पैक्ट प्रिंटर्स में होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में नहीं होता। कहाँ? इम्पैक्ट प्रिंटर्स में होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके रिबन का प्रयोग नहीं होता। तो जहाँ आपको लेज़र की बात आती है, जहाँ आपको थर्मल की बात आती है, जहाँ आपको इंकजेट की बात आती है, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर सीधे तौर पर प्रारूप पर आपके रिबन का प्रयोग नहीं होता है। क्या? रिबन का प्रयोग नहीं होता है। इसको आप चाहें कहीं लिख लीजिएगा, है ना, इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब बैंड प्रिंटर का क्या सीन है सर? बैंड प्रिंटर, मैंने कहा आओ इसका भी कोई उचित माध्यम है तो हम देख लेते हैं। बैंड प्रिंटर का अगर हमारे पास कोई उचित माध्यम है तो हम देख लेते हैं। ये रहा आपका बैंड प्रिंटर, ठीक। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया। चलिए पहले तो क्या एक बार आप अच्छे से इसे देख लीजिए, ताकि इसके बारे में फिर हम क्या करेंगे, इसको छोटा करके फिर देख लेंगे। देखिए यहाँ ले क्या, चलिए इसमें एक चीज़ समझने की सिंपल सी यही है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, ये पूरा मैकेनिज्म जो आपको दिख रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म किसकी तरह है, ये आप सेम आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा सर ये तो बिल्कुल चेन प्रिंटर है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या ये बिल्कुल चेन प्रिंटर ही है, ये बिल्कुल आप क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। पर आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रिंट बैंड जो होता है वो कौन सा होता है, यानी कि ये जो प्रयोग की जाती है ना आपकी, सॉरी ये जो प्रयोग की जाती है आपकी, ये वाली है ना, ये जो प्रयोग की जाती है, जहां हम कहाँ क्या क्या कह रहे थे यहाँ पर, कि यहाँ पर कैपिटल अक्षर या सॉरी आपके कैरेक्टर्स या नंबर्स लिखे होते हैं, अब यहाँ पर स्टील की चेन हो गई। क्या हो गई? स्टील की आपका चेन का प्रयोग यूज़ किया जाने लगा यहाँ पर। वहाँ पर किस तरह का हो सकता है, वहाँ रबर या किसी और मटेरियल का यूज़ किया गया हो, पर यहाँ पर इसमें किसमें, बैंड प्रिंटर में, यहाँ पर आपको क्या यूज़ किया गया, यहाँ पर इस जगह यूज़ करना स्टार्ट हो गए हम स्टील की चेन, ठीक है, जहाँ पर आपके क्या कैरेक्टर्स नंबर्स वगैरह सब लिखे होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो गया आपका स्टील की चेन। बस यही एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी इसकी वर्किंग जो है वो हूबहू किसकी तरह है, हूबहू आपके चेन प्रिंटर की तरह है, ठीक है, किसकी तरह है, चेन प्रिंटर की तरह। तो यहाँ पर आप दो तीन चीज़ लिख लीजिए, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपके रिमाइंड के लिए। एक तो क्या है, ये यह लाइन प्रिंटर का एग्जांपल है, आप उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण है। एक तो हम क्या कह रहे हैं, लाइन प्रिंटर का ये क्या है, उदाहरण है, ठीक है। और इसमें हम यही मेंशन कर देते हैं, यह चेन प्रिंटर की तरह कार्य करता है, और तीसरी बात हम क्या कह रहे हैं, तीसरी बात हम कह रहे हैं कि इसमें स्टील की चेन का प्रयोग कैरेक्टर्स या नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। बस ये सिंपल सा आपका यहाँ पर प्रिंट है।
ठीक है, यानी कि हम प्रिंटर के बारे में अगर सिंपल सा पढ़ें, यानी कि क्या बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे किसकी, पहले हमने बात की कैरेक्टर, उसके बाद कैरेक्टर या फिर किसकी बात की हमने, हमने बात की सीरियल की, उसके बाद हमने बात किसकी की, हमने कैरेक्टर की, सॉरी चेन की और सॉरी लाइन की, और लाइन के बाद हम फाइनली किस पे आ गए, फाइनली अब हम आ जाते हैं पेज पर, या फिर हम किसकी बात कर लेते हैं, नॉन पे, यानी कि नॉन इम्पैक्ट के जो प्रिंटर हैं उनकी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें किसकी, आपके नॉन इम्पैक्ट यानी कि पेज प्रिंटर्स की। ठीक है, देखिए जब पेज प्रिंटर्स की बारी आती है तो हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट। आप देखिए यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स में आप इसे कह सकते हैं, पहले में तो आप क्या कहेंगे कि ये किस तरह के प्रिंटर हैं सर, है ना, इसे क्या कहते हैं। अब दूसरी कंप्लीट कैटेगरी आ गई है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में हम क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में हम कहते हैं कि बहुत बेसिक और जनरल चीज़ ये है कि इसमें है ना, किसमें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या कह रहे हैं हम कि प्रिंटिंग हेड और प्रिंटिंग हेड एंड पेपर के बीच, प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच सीधा कनेक्शन नहीं होता। क्या है, सीधा कनेक्शन नहीं होता है, प्रिंटिंग हेड्स और पेपर के बीच सीधा कनेक्शन नहीं होता, उसका उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ नहीं है, है ना, उसका सीधा लेना देना कुछ नहीं है उसका। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या यूज़ होती है, दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें, इसमें इलेक्ट्रिक एंड केमिकल मेथड यूज किया जाता है, मेथड यूज किया जाता है ना, प्रिंटिंग के लिए इसमें इलेक्ट्रिक और केमिकल मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात हम बात करें तो क्या ये कम या बिल्कुल शोर नहीं करते हैं, एवं स्पीड भी फास्ट होती है। किसकी स्पीड, किसकी फास्ट होती है, प्रिंटिंग की स्पीड भी फास्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं, पर छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर आपके क्या करती है, आपकी चीज़ों को बड़ा बनाती है ना। आपके एग्ज़ाम में सबसे दिक्कत कहाँ है, दिक्कत वहीं छोटे छोटे आंसरों की तो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो कोई इशू नहीं। आप बस धीरे धीरे इन सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, इन प्रिंटर्स में किसका प्रयोग होता है, इन प्रिंटर्स में इंक स्प्रे करके प्रिंटर पर कैरेक्टर्स छापे जाते हैं। नहीं नहीं प्रिंटर पर नहीं, आप पेपर पर, यहाँ पर क्या आएगा, पेपर पर, प्रिंटर पे क्यों छापोगे भाई, क्या बात हो गई, पेपर पर कैरेक्टर छापे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब दूसरी बात हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट, है ना,
ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, टेक्स्ट एंड इमेजेस, सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको इनके बारे में ध्यान रखना होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए, और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वैसे ध्यान रखने लायक ही चीज़ है, और आपको कोई ना भी बताए तो भी आपको पता है, पर कई कई बार पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि एक टाइम पे आप कितने प्रिंट दे सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि प्रिंट तो आप बहुत सारे दे सकते हैं। क्या प्रिंट तो आप बहुत सारे दे सकते हो, पर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार में एक ही पेपर प्रिंट होगा ना, सिंगल टाइम पे जो मशीन चल रही है उसमें आप एक बार में एक ही प्रिंट दे पाओगे, तो यहाँ पर वन टाइम वन पेज प्रिंट की बात आती है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या बात आती है सर, यहाँ आती है वन टाइम वन पेज प्रिंट। ठीक है, ये चीज़ आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में ध्यान रखना है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं, है ना। किसे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ही आप क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के प्रिंटर्स भी आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। देखिए, एक है ना, आप एक और चीज़ देख लीजिए, क्या कि एंटायर आपके जितने भी प्रिंटर्स हैं इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई होगी, है ना, इसकी यूनिट क्या होगी, किसकी, ऑल प्रिंटर्स जो है इनकी जो क्वालिटी है वो किसमें मापी जाती है, ऑल प्रिंटर्स की यूनिट, यूनिट किसकी, यूनिट किसकी, यूनिट सर क्वालिटी की, किसकी, किसकी क्वालिटी यूनिट, क्या कह रहे हैं हम, क्वालिटी यूनिट, ये किसमें आएगी। अरे सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं इसके इंटरनल्स पार्ट की, यानी कि इसमें कौन कौन से तरह के होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट में आपके एक तो हो जाता है आपका इंकजेट, क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपका इंकजेट, दूसरा हो जाता है आपका लेज़र, क्या हो जाता है, लेज़र, और तीसरे की बात हो जाता है आपका क्या होता है, थर्मल। ये तीन तरह के प्रिंटर आपको इस नॉन इम्पैक्ट में पढ़ने को मिलते हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम एक एक के बारे में, यानी कि किसके बारे में, सबसे पहले इंकजेट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, बात अगर हम इंकजेट की करें, इंकजेट टाइप के जो प्रिंटर्स हैं ना, नॉर्मली घरों में आपको ये इस तरह के प्रिंटर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने को देखने को मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि घरों में आप इंकजेट टाइप के जो प्रिंटर है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिल जाएंगे आपको। तो हम क्या कहते हैं कि इस, मतलब यानी कि आपके जो इंकपैक्ट प्रिंटर हैं, सॉरी इंकजेट प्रिंटर हैं, इनमें आप घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम इसमें करें, तो इन तरह के प्रिंटर यानी कि इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं, इसमें आप ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि मैंने कहा, देखो अगर कोई किसी तरह की इमेज है ना, तो बहुत बढ़िया इमेज क्वालिटी आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स के आप प्रिंट ले सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इसमें जो शाही है वो क्या होती है, ड्रॉप होती है। हम क्या कह रहे हैं, शाही जो है छपती है, शाही इसमें डाली जाती है। ठीक, तो यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर के बारे में आपको इन चीज़ों का लिए ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पहला तो इस प्रिंटर में कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स को
पेपर पर प्रिंट करने के लिए स्याही की ड्रॉप का प्रयोग होता है। ठीक है, एक तो स्याही की हम क्या ड्रॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं कि इतना दूर कहाँ चले गए भाई, इतना दूर कहाँ चले गए। दूसरा हम कह रहे हैं कि इसमें शाही की बोतल का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, बहुत इजी है, बहुत इजी है, रोजाना यूज कर रहे हो आप, क्या जिसे कार्ट्रिज कहते हैं। कार्ट्रिज कहते हैं हम भाई, कार्ट्रिज चेंज कर दो, कार्ट्रिज सही नहीं है ना, या कार्ट्रिज में जो कलर है वो ख़त्म हो गया, तो हम क्या कहते हैं कार्ट्रिज जो है वो यूज़ की जाती है। रंगीन चाय की बोतल में मूलतः आरबीजी रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, इन तीन ही रंगों से मिलकर मल्टीपल फॉर्म बन सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं आरबीजी का प्रयोग कर लो भाई, यही काफ़ी है ना, आरबीजी का प्रयोग कर लो, यही काफ़ी है, इससे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा हम क्या कहते हैं, दूसरा हम कह रहे हैं कि यूज़ तो होम एंड ऑफिस में मुख्यतः, परंतु, परंतु अब क्या आ गया, परंतु, परंतु प्रिंट मूल्य अधिक है ना, महंगा पड़ता है ये, तो हम क्या कह रहे हैं प्रिंट मूल्य अधिक होता है, महंगा पड़ता है साहब, है ना, क्या है महंगा पड़ता है थोड़ा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, महंगा पड़ रहा है तो दूसरा यूज़ कर लो। सर इसकी किसी तरह कोई इमेज है क्या, इसकी किसी तरह कोई इमेज है क्या, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, है ना, क्या चलो देख लेते हैं, तो बिल्कुल साहब यहाँ आपको क्या देखने को मिल जाती, इमेज देखने को मिल जाती है, ये रही आपकी इमेज। देखिए इसे थोड़ा और अच्छे से एडिट कर लेते हैं ताकि आपको यूज़ आए। इसी तरह के होते हैं है ना ये प्रिंटर, इसी तरह को आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, इंकजेट प्रिंटर की। ठीक, इंकजेट प्रिंटर के बारे में हमने ये देख लिया, अब दूसरा हम चलते हैं किस पे आपका, देखिए चलिए दूसरा एक बार आपका, अच्छा सीरीज में आपका वो लिखे, चलिए कोई बात नहीं, पर एक बार हम है ना दूसरा तो नहीं, आप क्रम में चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार आप थर्मल देख लीजिए, क्या थर्मल देख लीजिए, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। अब थर्मल प्रिंटर देखो इसकी सबसे बड़ी बात क्या है पता है, थर्मल प्रिंटर की सबसे बड़ी बात है कि ये वैक्स पे आधारित होता है, क्या होता है वैक्स पे आधारित होता है। बोले सर वैक्स पे आधारित का मतलब, मैंने कहा इसकी स्याही जो है ना जल्दी उड़ जाती है, क्या इसकी स्याही जो है वो जल्दी उड़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं है ना,
यहाँ कभी आप कहीं मॉल में जाते हैं तो आपको इस तरह की स्लिप देखने को मिलती है। मैकडोनल्ड्स वगैरह में भी अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरह की स्लिप देखने को मिलेगी, है ना। इस तरह की आपको स्लिप देखने को मिलती है कि भैया आपको वो इस तरह की एक स्लिप पकड़ा देते हैं कि हाँ ये आपकी स्लिप ले लीजिए भैया। तो ये क्या है, ये आप यूज़ होने वाला ये वाला प्रिंटर क्या कहलाता है आपका, थर्मल प्रिंटर कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका प्रिंटर कहलाता है थर्मल। थर्मल प्रिंटर, ठीक है। ये किस तरह का प्रिंटर हो गया आपका, ये थर्मल प्रिंटर हो गया। अब देखिए हम सबसे पहले इसमें मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करनी है क्या, एक तो वैक्स आधारित, क्या कहा हमने, वैक्स आधारित रिबन के जरिए कैरेक्टर प्रिंट किए जाते हैं, ठीक। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, इसमें थर्मोक्रोम, कौन सा, थर्मोक्रोमिक, थर्मोक्रोमिक पेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका थर्मोक्रोमिक जो पेपर है वो यूज किया जाता है। बहुत जनरल आप कहाँ यूज देखते हैं पता है, एटीएम मशीन की स्लिप होती है ना, वो यही पेपर होता है। कौन सा, एटीएम मशीन की स्लिप जो होती है वो यही पेपर होता है। और सबसे बड़ी बात ये, एटीएम मशीन में जो प्रिंटर आपका यूज़ किया जाता है वो थर्मल प्रिंटर ही होता है। तो कई बार आपका ये पूछा गया है कि एटीएम मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रिंटर जो आपको स्लिप देता है वो किस प्रकार का प्रिंटर होता है। यही सेम क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, ना जाने कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको बता देना है वहाँ पर क्या, थर्मल प्रिंटर आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अब आपके फाइनल प्रिंटर की तरफ, यानी कि हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके लेज़र प्रिंटर की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, लेज़र प्रिंटर। चलिए लेज़र प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, लेज़र प्रिंटर की। देखिए लेज़र प्रिंटर जो है ना, नाम से समझ में आ रहा है क्या, नाम से समझ में आ रहा है किस टाइप का प्रिंटर है। सर सर ये कुछ ऐसा प्रिंटर लग रहा है जिसमें किस तरह की लेज़र का यूज़ हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि लेज़र प्रिंटर में जब किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने के लिए, किसके लिए, जब किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने के लिए लेज़र प्रिंटर में कोई डॉक्यूमेंट हम भेजते हैं तो क्या करता है कि एक मतलब स्पेशल तरह की, हम क्या कह सकते हैं, विशेष प्रकार के लाइट बीम का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज करता है। यानी कि आपकी रेड कलर की जो बिम है, किस तरह की, ये जो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेड कलर आपका जो पेपर है, जैसे फर्ज कीजिए कि ये आपका पेपर है, इस पेपर पर आपकी इस तरह की लाइट बीम पड़ती है। ठीक, इस तरह की लाइट बीम क्या है, पड़ती है, तो फिर आपके कैरेक्टर क्या है, इस तरह के हॉल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं जब आप पेपर, जैसे अभी आप देखिए, अभी जो आप पेपर लिख रहे हैं ना रजिस्टर पर, उसके पीछे की तरफ देखिए, है ना, तो आपने जो लिखा है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा गुर्दा सा गया है ना, जो दूसरे पेज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा छप सा गया है। वैसा ही ये क्या करता है, वैसा ही लेज़र जब मारता है तो थोड़े से एक पेज जो आप छोड़ के पीछे के जस्ट पेज देखेंगे तो उस पर आपने जो लिखा है वो उभर सा गया है ना, उकेर सा गया है। तो वहाँ इसी तरह ये भी काम करता है, क्या है कि जो पेज है उस पर अंक जो है, शब्द जो है, कैरेक्टर जो है, उनको उकेर देता है। और फिर बाद में यहाँ पर यही पेपर दूसरे रोल के अंदर रोल आउट होता है। यहाँ पर एक और रोल होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक और रोल होता है। इस रोल के अंदर रोल आउट होकर आपका ये जो पेपर है ये अंदर से यहाँ से पास होता है, और यहाँ से पास होता है तो ये जो रोल है ये क्या करता है, इन पर शाही भर देता है। फिर आपके पेज जो अंक है वो बिल्कुल आपको साफ साफ देखने को मिल जाते हैं। ये काम इसका किसका, मेन आपके लेज़र प्रिंटर का है।
सर इसका कोई उचित माध्यम नहीं है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होना तो चाहिए, देखें आपको ज़रा इस तरह के जो प्रिंटर हैं उनके उचित माध्यम देखने को मिल जाएंगे, देखिए। ये देखिए ये आपका जो प्रिंटर है ये किस तरह का प्रिंटर है, ये ही आपका लेज़र प्रिंटर है। क्या है ये? यही आपका क्या है? लेज़र प्रिंटर है। आपको ये चीज़ समझनी है। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं विस्तार पूर्वक। क्या कर लेते हैं? विस्तार पूर्वक हम लिख लेते हैं। चलिए देखिए भाई, ये जो प्रिंटर है ना लेज़र वाला प्रिंटर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लेज़र प्रिंटर में से बहुत बार आपसे पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? मैंने कहा लेज़र प्रिंटर में से ज़्यादातर वो कैटेगरी ही पूछता है। क्या करता है? कैटेगरी ही पूछता है कि आपके लेज़र जो पूरा प्रिंटर पार्ट है उसको किस तरह से कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या कहते हैं, एक तो देखो इसमें आप सिंपल सा लिख सकते हो, ये बेसिक प्रिंटर है जो यूज़ किया जाता है, बेसिक प्रिंटर जो जनरली ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जनरली क्या है? ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं, इसमें लाइट बीम, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करके डॉक्यूमेंट के चित्र एवं अक्षरों को ड्रम में ड्रॉ कर देता है। और ड्रम के हीट होने पर अरे अरे क्या कर रहे हो भाई, ड्राई होने पर, ड्रम के हीट होने पर ड्राई ड्राई इंक के पाउडर पर रोल करके प्रिंट प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या यूज़ किया जाता है? इसमें यूज़ किया जाता है टोनर। ठीक है, शाही के लिए क्या यूज़ किया जाता है? शाही के लिए यूज़ क्या किया जाता है? शाही के लिए टोनर यूज़ किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसका बेस्ट चीज़ क्या है? इसका बेस्ट चीज़ है फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन जो है ना वो आप देखो, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है बेस्ट एग्जाम्पल? बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्या? फोटोकॉपी मशीन जो है लेज़र प्रिंटर का आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो लेज़र प्रिंटर के बारे में आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। क्या है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर बताता हूँ मैं आपको एक बार लेज़र प्रिंटर के बारे में। क्यों? क्योंकि सर देखिए, आपने अभी कहा कि ये क्या करता है, ये लाइट बीम पर आपके प्रिंट दे देता है। मैंने कहा ठीक है कि ये जैसे कि आपका पेपर है, ठीक है,
आप मानिए कि ये आपका क्या है, पेपर है, ठीक। इस पेपर पर आपके ये जो बिम है लाइट के, वो इस तरह से पड़ जाते हैं, ठीक। जब ये लाइट बिम पड़ जाते हैं तो आपका जो पेपर है क्या है, आपका जो पेपर है वो पेपर अब क्या है, आपका जो पेपर है ये इस तरह का पेपर, उस पे अंक उभर जाते हैं। किस तरह के, मैंने कहा वाइट वाइट कलर के आपके अंक उभर जाते हैं, है ना। मतलब अब क्या होता है कि इस तरह के अंक जो हैं वो तो उभर जाते हैं पीछे की तरफ। फिर यही प्रोसेस, यानी कि यही पेपर एक बार फिर ड्रम में रोल होता है। सर इस ड्रम में क्या है, मैंने कहा देखो इस ड्रम में जो अब रोल हो रहा है ना, यानी कि इस ड्रम में जो रोल हो रहा है वो क्या करेगा, वो आपके जो ब्लैक, ये आपके जो खाली खाली पड़े हैं आपके फॉन्ट, इन फॉन्ट में क्या करेगा, कलर भरेगा, क्या करेगा, कलर भरेगा। और ये कलर भर के आपको इस फॉन्ट में दे देगा कि साहब आपने जो कहा था कि कलर भरना है, वो कलर भरने का प्रोसेस जो है वो पूरा हो गया, अब आप अपने फॉन्ट ले जाओ। क्या, अब अपने फॉन्ट ले जाओ। ध्यान देने वाली एक ही बात है, क्या, कि ये जो पाउडर होता है ना, ये ड्राई इंक होती है। क्या होती है, इसमें जो पाउडर डाला जाता है इनके ऊपर, जो ड्राई डाला जाता है, शाही जो डाली जाती है कलर वाली, वो क्या होती है, ड्राई इंक होती है। तो ड्राई इंक जो है वो आपके किस में पाई जाती है, लेज़र प्रिंटर में आपके, किस तरह की ड्राई इंक पाई जाती है, सूखी शाही जिसे हम कहते हैं, सूखी शाही किस में पाई जाती है, आपके लेज़र प्रिंटर में। तो ये कुछ चीज़ थी जो आपको लेज़र प्रिंटर के बारे में ध्यान रखना है। देखिए लेज़र प्रिंटर में इतना ही ज़्यादा है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर क्या है पूरा मामला, यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देखा, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन जो है हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो जल्दी से एक तो कमेंट कर दीजिए कि आपको इसमें क्या क्या अच्छा लग रहा है, और क्या इसमें आप बेहतर चाहते हैं, है ना। आपके किसी तरह के सजेशन है तो मोस्ट वेलकम, ठीक। और आप इन पूरी सभी वीडियो की जो श्रृंखला है इनको लाइक भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।